हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। लास्ट वीडियो में हमने नंबर सीरीज का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था। आज उसी के आगे कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उसी से रिलेटेड, जो आपके नबार्ड एंड आरआरबी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे पहले अगर हम नंबर सीरीज में बात करें तो आपका फर्स्ट इस पे कॉन्सेप्ट होता है इफ सीरीज इज इन असेंडिंग ऑर्डर। अगर आपकी सीरीज क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में। अगर हमारी सीरीज असेंडिंग ऑर्डर में होती है तो वहां पर हम सबसे पहले दो मैथमेटिकल ऑपरेशन चेक करते हैं जो हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था। फर्स्ट इज ए एडिशन एंड सेकेंड इज ए मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, अब एडिशन कहाँ पे चेक करेंगे कि किस नंबर सीरीज में एडिशन की पॉसिबिलिटी, यानी डिफरेंस बेस्ड सीरीज है, या फिर किस सीरीज में मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन इंप्लीमेंट हो रहा है। तो सबसे पहले देखिए, एडिशन हम वहां चेक करते हैं इफ द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट टर्म इज नॉट वेरी हाई। ठीक है, अगर हमारी सीरीज का फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म में डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं होता है, ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं कि इस सीरीज में डिफरेंस यानी कुछ एड तो नहीं हो रहा है, यानी मल्टीप्लीकेशन हम उस पर अप्लाई करके नहीं देखते हैं। ठीक है, पर अगर नेक्स्ट इसी में सिमिलर बात करें कि आपकी सीरीज असेंडिंग ऑर्डर में ही है, ठीक है, पर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का डिफरेंस काफी हाई है, तो हम सबसे पहले यही चेक करेंगे कि उसमें मैथमेटिकल ऑपरेशन आपका मल्टीप्लिकेशन तो अप्लाई नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले अगर हमारा फर्स्ट टाइप है, हम वही डिस्कस करते हैं कि हमारी सीरीज क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में है। अगर सीरीज असेंडिंग ऑर्डर में होती है तो दो मैथमेटिकल ऑपरेशन हम डिस्कस कर चुके हैं। अब इसी में अगर हम बात करें, हमारी सीरीज है एडिशन सीरीज, फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। हमारा फर्स्ट नंबर सीरीज का क्या है, 147, 153, 159 एंड लास्ट इज 165, और नेक्स्ट टर्म आपसे पूछी जा रही है। अगर हम इसके फर्स्ट और लास्ट टर्म में कंपेयर करें तो फर्स्ट टर्म इज 147 एंड लास्ट टर्म इज 165, डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है, अराउंड 20-25-30 के अराउंड है। ठीक है, बहुत कम डिफरेंस है और नंबर ऑफ टर्म्स आपको 4-5 ही मैक्सिमम सीरीज में गिवन होती है। ठीक है, जिसमें ज्यादा भी होती है तो हम उसी के रिस्पेक्ट में उसे उसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। अब सबसे पहले अगर हम कहें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 4, और फिफ्थ टर्म्स आपसे पूछी जा रही है और डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है, तो जाहिर सी बात है हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे, सीरीज असेंडिंग ऑर्डर में है तो कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन इंप्लीमेंट हो रहा है, डिफरेंस ज्यादा ना होने पे एडिशन हो रहा है, तो सबसे पहले हम वही माइंड में क्लिक करेगा। ठीक है, तो हम उसे अप्लाई करके देखेंगे। अब अगर हम देखें इसका डिफरेंस करते हैं फर्स्ट एंड सेकंड टर्म का, तो वही है 153 माइनस 147, तो कितना आ गया आपके पास 6। ठीक है, कितना ऐड हो रहा है, प्लस 6। फिर डिफरेंस करेंगे थर्ड एंड सेकंड टर्म का, तो 159 माइनस 153 तो क्या आएगा, 6। तो अगर हम देखें 153 में हम क्या ऐड कर रहे हैं, 6 ऐड कर रहे हैं, तो हमें 159 नेक्स्ट टर्म मिल रही है। अगेन अगर हम चेक करें तो क्या हमें क्या ऐड हो रहा है, प्लस 6। अगर हम इस सीरीज में देखें तो इस सीरीज में क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू यानी 6 ही प्रॉपर ऐड हो रहा है। ठीक है, तो हमारे एडिशन में भी टू टाइप की सीरीज हो जाती है, हम उसे डिफरेंस उस पे डिफरेंस बेस पे डिस्क्राइब करते हैं कि हमारा एडिशन कैसा होगा, कांस्टेंट एडिशन होगा। ठीक है, यानी एक पर्टिकुलर फिक्स एक ही नंबर का एडिशन हो रहा है, वो कोई भी नंबर भी हो सकता है, डिजिट भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहां पर अगर हम बात करें तो 6 हर टर्म में क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, और उससे हमारी नेक्स्ट टर्म जनरेट हो रही है। अब हमें नेक्स्ट टर्म बतानी है, तो हम नेक्स्ट टर्म के लिए क्या करेंगे, वही सेम लॉजिक अप्लाई करेंगे, प्लस 6 करेंगे, तो आपके पास नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगी, 171 आ जाएगी। हमारी नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगी, 171। चलिए नेक्स्ट टाइप देखते हैं। अगर हम बात करें, हमारी फर्स्ट टर्म है 5 और लास्ट टर्म है 47। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, टोटल 4 ही है। अगर हम डिफरेंस देखें तो डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है, जब डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं होता है तो हम सीरीज में, और सीरीज हमारी क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में, तो जाहिर सी बात है हम कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन इंप्लीमेंट करके देखते हैं, तो मैथमेटिकल ऑपरेशन हम एडिशन देखते हैं। ठीक है, हम फर्स्ट और सेकेंड टर्म का डिफरेंस करेंगे तो कितना आया, प्लस 6। ठीक है, फिर अगेन सेकेंड एंड थर्ड टर्म का डिफरेंस करेंगे तो कितना आया, प्लस 12। ठीक है, एंड सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ टर्म का डिफरेंस करेंगे तो आपके पास कितना आया, प्लस 24। अब हमें नेक्स्ट टर्म बतानी है, तो देखिए यहां पर हो तो क्या रहा है, प्रॉपर हमारे पास क्या, यहाँ पर क्या है, एडिशन ही है, पर वो एडिशन क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो एडिशन आपके पास कांस्टेंट भी हो सकता है एंड इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर किसी भी ऑर्डर में हो सकता है कि आपकी वैल्यू क्या है, इंक्रीज हो रही हो और डिक्रीज, पर इसमें भी एक पर्टिकुलर लॉजिक होगा, इसमें भी एक पर्टिकुलर ऑर्डर होगा, ऐसा नहीं है कहीं पर भी कोई भी वैल्यू कहीं से भी इंक्रीज हो जाए। यहाँ पर अगर हम देखें तो फर्स्ट टर्म में 6 ऐड हुआ है, सेकेंड में 12, देन 24,
अब जाहिर सी बात है ये क्या है, 6 का मल्टीपल ऐड हो रहा है, ठीक है, पहले 6 फिर 12 उसका जस्ट डबल, ठीक है, फिर उसका जस्ट डबल, तो हर हमें आगे हमेशा जो वैल्यू ऐड हो रही है वो क्या है, पहले 6 अगर हम कहें तो फिर उसका मल्टीपल भी कह सकते हैं, पर अगर हम प्रॉपर फॉर्म की बात करें तो वो क्या है, जस्ट हमारे पास जो फर्स्ट नंबर ऐड हो रहा है उसका जस्ट हर बार क्या हो रहा है, डबल हो रहा है, और वो डबल वैल्यू नेक्स्ट टर्म के लिए क्या हो रही है, एक तरीके से ऐड हो रही है, ठीक है। तो अगर हम इसमें लॉजिकल फॉर्म की बात करें, जो हमारी एडिशन इन इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है, तो इसमें आपके पास प्राइम नंबर ऐड हो सकते हैं, ठीक है, जिसमें ऑर्डर नहीं मिलेगा और लॉजिक नहीं मिलेगा, पर जैसे ही आप उन नंबर्स को देखेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि ये सीरीज किसकी है, प्राइम नंबर की है। ऐसे ही अगर हम लॉजिक केस में बात करें तो आपको क्या है, इवन और ओड नंबर की सीरीज मिल सकती है, ठीक है, जहां पे आपको देखते ही क्लियर हो जाएगा कि ये नंबर्स कैसे हमारे इवन और ओड नंबर की सिक्वेंशियल सीरीज है, या फिर किसी भी नंबर का मल्टीपल, जैसे 3 का मल्टीपल, फर्स्ट में 3 ऐड हुआ, नेक्स्ट में 6, फिर 9, ठीक है, ऐसे 5 का मल्टीपल, 4 का मल्टीपल, कुछ भी किसी भी नंबर का मल्टीपल, पर एक लॉजिकल फॉर्म होगी, ठीक है। चाहे हम प्राइम नंबर के रिगार्डिंग ही बात क्यों ना करें, वो भी क्या है, एक लॉजिकल फॉर्म है। हमें समझ तब आएगा जब हम पूरी सीरीज में देखेंगे कि नंबर्स में कुछ ऑर्डर नहीं मिल रहा, पर जब हम नंबर्स को ध्यान से देखेंगे तो वो क्या है, सारे के सारे प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो आपके पास जो एडिशन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा वो एक लॉजिकल फॉर्म में होगा। अब सबसे पहले अगर हम बात करें, यहाँ पर जो लॉजिक अप्लाई हो रहा है वो 6 का जस्ट डबल हो रहा है, 6 का डबल फिर 12 हुआ और 12 का डबल 24 हुआ। अब 24 का डबल करेंगे तो आपके पास वैल्यू क्या ऐड होगी, 48 ऐड, ठीक है, 47 में 48 ऐड करेंगे, तो अगर हम देखिए ऐड करने के लिए 47 और 48 ऐड करना अगर डिफिकल्ट है तो हम 45 का डबल करते हैं तो 90 आता है, पर अगर हमने यहाँ पे 2 छोड़ा और 3 तो यानी 95। आप नंबर्स को ब्रेक करके भी ऐड और कैलकुलेशन कर सकते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन क्या हो जाए, इजी हो जाए, हमें लिख के ना करनी पड़े। हमेशा कोशिश करेंगे कि हमें जितनी भी कैलकुलेशन करते हैं अपने माइंड में करें, ठीक है, और माइंड में करने के लिए हमें कहीं ना कहीं उन नंबर्स को ब्रेक करना पड़ता है, डायरेक्टली हम नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे कि जितनी कैलकुलेशन हम माइंड में करें हमारे लिए उतना अच्छा रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इसी में। नेक्स्ट टाइप अगर हम बात करें, नेक्स्ट है आपके पास मल्टीप्लीकेशन सीरीज। अभी हमने डिस्कस किया था अगर आपके पास क्या है, सीरीज में फर्स्ट और लास्ट टर्म में डिफरेंस क्या है, बहुत हाई हो, ठीक है, तो हम क्या रूल अप्लाई करेंगे कि सीरीज में मल्टीप्लीकेशन ना अप्लाई हो रहा हो, ठीक है। तो अब अगर हम देखें, फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, हमारे पास जो फर्स्ट सीरीज का फर्स्ट टर्म है वो क्या है, 6, और लास्ट टर्म अगर हम देखें तो कितनी है, 162, और नंबर ऑफ टर्म्स भी कितनी है, 4 ही है। तो डिफरेंस अगर देखें तो डिफरेंस काफी है, ठीक है। आपको एक चीज और क्लियर करती हूँ, बहुत सारी ऐसी सीरीज भी मिलेगी जहां पर डाउट केसेस होगा, पर एक चीज देखें, अगर हमारी सीरीज असेंडिंग ऑर्डर में अगर एडिशन अप्लाई नहीं हो रहा है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है आपको मल्टीप्लिकेशन की अप्लाई होगा। और मल्टीप्लिकेशन के लिए एक हिंट आपको और देती हूं, मल्टीप्लिकेशन कहां पर अप्लाई होता है, कहीं कहीं पे डिफरेंस बहुत ज्यादा हाई नहीं लगेगा हमें, ठीक है, पर वहां पर मल्टीप्लिकेशन अप्लाई हो रहा होगा, पर उसके लिए भी एक रूल होता है। वो रूल क्या है, अगर हम उसके सारे टर्म्स को देखेंगे तो सारे टर्म्स हमें कहीं ना कहीं वो डबल के अप्रॉक्स जरूर होनी चाहिए, ठीक है। इससे आगे क्वेश्चन आएंगे तो वो चीजें आपको और होगी, वो डाउट क्या है कि कहीं पर डिफरेंस ज्यादा ना बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होने के बाद भी वहां पर कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई हो रहा होगा, मल्टीप्लिकेशन, और कहीं कहीं पे हमें ऐसा लगेगा डिफरेंस हाई है, ठीक है, पर वहां पर मैथमेटिकल ऑपरेशन कौन सा इंप्लीमेंट हो रहा होगा, एडिशन, तो वो भी अभी हम डिस्कस करेंगे। पर अगर हम ओवरऑल देखते हैं तो हमारे पास यही लॉजिक अप्लाई होता है और इसी पॉइंट ऑफ व्यू से हम हमेशा लॉजिक को देखते हैं। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें, हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, फर्स्ट टर्म हमारी क्या है, 6, और अगर हम नेक्स्ट लास्ट टर्म की बात करें, 162, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स भी बहुत ज्यादा नहीं है, 4 ही है। उसके हिसाब से अगर हम गैप देखते हैं यानी डिफरेंस देखते हैं तो डिफरेंस काफी ज्यादा है, तो जाहिर सी बात हम क्या देखेंगे कि यहाँ पर कोई ना कोई नंबर क्या हो रहा होगा, यहाँ पर कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन इंप्लीमेंट हो रहा होगा, मैथमेटिकल ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन इंप्लीमेंट हो रहा होगा। अब हम मल्टीप्लीकेशन में देखेंगे, फर्स्ट टर्म से अगर हम देखें 6 से 18 की पॉसिबिलिटी कैसे है, तो ये तो क्लियरली पता है कि मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है, 18 से 54 भी देखिए तो क्लियर है मल्टीप्लाई बाय 3,
ठीक है। अब अगर हम देखें तो हमें पहले से ही लॉजिक भी क्लियर हो जाएगा कि कितने से मल्टीप्लाई हो रही है, 3 से। तो नेक्स्ट में भी हम अप्रोक्सीमेट वही वैल्यू चेक करते हैं, और 50 से अगर मैं चेक करूं तो 150 यानी 162 यानी ये कंप्लीटली क्या है, 3 मल्टीपल ही है, ठीक है। तो अब हमें नेक्स्ट टर्म बतानी है, तो नेक्स्ट टर्म के लिए क्या होगा, वही सेम अप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई। अब अगर हम देखें हमें नेक्स्ट टर्म बतानी होती है, हमें मल्टीप्लाई करानी है, ठीक है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन हमारे पास ये रहता है कि हम इसे ब्रेक करें। 16 का टेबल तो जाहिर सी बात है सबको आता है ना, 16 की अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 480 आता है, ठीक है। अगर हम 16 की करते हैं तो 48, और 160 की कर रहे हैं तो 480 आएगा। पर अगर हम 2 हमने रिमेनिंग छोड़ दिया, तो 2 की भी हम 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8। तो कितना आएगा हमारे पास, 486। तो नेक्स्ट टर्म कितनी आ जाएगी, 486 आ जाएगी। आप इसको और भी ब्रेक कर सकते थे, अगर आपको 16 का टेबल नहीं आता, 150 की 3 से तो 450, 10 की 3 से 30, 2 की 3 से आपके पास 6, तो आप उसे ब्रेक करके ऐड कर सकते थे, ठीक है। तो हमारी नेक्स्ट टर्म कितनी आ गई, 486 आ गई। अगर हम बात करें यहां पर मल्टीप्लीकेशन तो अप्लाई हो रहा है, पर मल्टीप्लीकेशन किस टाइप का है, तो एक मल्टीप्लीकेशन कौन सा है, कांस्टेंट, यानी एक ही पर्टिकुलर नंबर से आपके पास क्या हो रही है, पूरी सीरीज में मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है। तो इसे हम एक टाइप में डिफाइन कर देते हैं, कांस्टेंट मल्टीप्लीकेशन। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट भी अगर हम बात करते हैं, हमारी फर्स्ट जो टर्म है वो है 5, और लास्ट टर्म कितनी है, 525, और नंबर ऑफ टर्म्स की अगर हम बात करें तो कितनी है, 4 ही है। तो डिफरेंस काफी हाई है, तो जाहिर सी बात हम क्या चेक करेंगे कि यहाँ पे कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन इंप्लीमेंट होगा, मैथमेटिकल ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन अप्लाई होगा। अब मल्टीप्लीकेशन में अगर हम देखें तो फर्स्ट अगर हम देखें तो किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 से। 5 से 15 कैसे जनरेट होगा, 3 से मल्टीप्लाई। फिर नेक्स्ट अगर हम देखें 15 से 75, तो 15 से 75 आपका कैसे आता है, 5 से मल्टीप्लाई, ठीक है। फिर अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं, हमारी यहाँ पर नेक्स्ट उसमें बात करें 75 से 525, तो इसे कैसे देखना है, तो देखिए 75 का जस्ट हम डबल करके भी देख सकते हैं, इसे 75 ना लेके 70 के रेस्पेक्ट नहीं दे सकते, अगर 70 की 7 से मल्टीप्लाई कराती हूँ मैं, ठीक है, तो 490 आता, और मैंने 5 रिमेनिंग छोड़ा तो जाहिर सी बात है 7 की उससे भी मल्टीप्लाई होगी, तो वही आपके पास यानी ये किसके अप्रोक्सीमेट होगा, 7 से मल्टीप्लाई। अब हमें नेक्स्ट टर्म बतानी है इसकी, ठीक है। तो अब किससे मल्टीप्लाई होगा, पहले 3 से मल्टीप्लाई था, फिर 5 से था, फिर 7 से था, तो जाहिर सी बात है अब किससे मल्टीप्लाई होगी, 9 से। अब हमें 525 की 9 से मल्टीप्लाई करानी है, तो हमारे पास सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है हम इसे ब्रेक कर लें, ठीक है। पहले हम इसे 500 एज्यूम करें, 500 की 9 से कराएंगे, तो 5 की 9 से अगर हम कराते हैं तो 45 आता है, ठीक है, तो 4500 आ जाएगा। फिर हमारे पास है 25 की अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 100 बन जाता है, 8 से करेंगे तो 200 बन जाएगा, और ये 9 है तो कितना होगा, 225 इसमें ऐड करते हैं, ठीक है, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 4725। तो हमारी नेक्स्ट टर्म कितनी आ जाएगी, 4725 आ जाएगी। आप ब्रेक करके कैलकुलेशन जितनी करेंगे तो हमारे लिए उतनी कैलकुलेशन ईजी रहेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अब हमारे पास कुछ मिक्स क्वेश्चन है, हमें ये नहीं पता कि ये मल्टीप्लीकेशन का क्वेश्चन है, क्योंकि अब तक तो मैंने टाइप डिफाइन किए हुए थे, ऊपर टाइप नेम लिखा हुआ था, तो हम उससे डिसाइड कर पाते थे कि इसमें यही ऑपरेशन इंप्लीमेंट हो रहा है। पर अब अगर हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो वहां पे ऐसा आपके ऊपर क्वेश्चन के ऊपर टाइप डिफाइन नहीं होगा कि कौन सा टाइप है, ठीक है, वहां पे हमें मैथमेटिकल ऑपरेशन खुद ही ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि क्या है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है, इसके अकॉर्डिंग आपकी फर्स्ट टर्म है 6, और लास्ट टर्म अगर हम देखें तो कितनी है, 666, ठीक है। फर्स्ट और लास्ट टर्म में अगर हम डिफरेंस देखें तो काफी हाई है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू अगर हम देखें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, सिर्फ 4 ही है, 4 के अकॉर्डिंग ये डिफरेंस काफी है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन इंप्लीमेंट हो रहा होगा, मल्टीप्लीकेशन। अब मल्टीप्लीकेशन चेक करने के लिए भी आपके पास एक मेथड होता है, वो क्या मेथड है, हमेशा क्या होगा जब हम फर्स्ट टर्म में उसमें मल्टीप्लाई अप्लाई करके देखते हैं तो कहीं कहीं पर वो कंप्लीट मल्टीपल नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है कुछ एडिशन और सब्ट्रैक्शन उसके साथ इंप्लीमेंट हो रहा होगा, तो वहां पर आपके पास कभी कभी 2 अप्रोक्सीमेट वैल्यू आती है। जैसे अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करें 6 से 26 की बात करते हैं, ठीक है, 6 से 26 कैसे जनरेट हो सकता है, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, 6 की अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करा दूं, 6 5 30, ठीक है, और क्या माइनस कर दूं, 4, तो आपको क्या मिलता है
हमें क्या वैल्यू मिल जाती है, 26 मिल जाती है, ठीक है। पर अगर 6 से 26 की बात करें तो हम इसे 4 से मल्टीप्लाई करें, 6 को 6 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 24, और 24 प्लस 2 तो तब भी आपको 26 मिलेगा। यानी हमारे पास यहाँ पर मल्टीपल के भी दो ऑप्शन है, ठीक है, पर दोनों में से क्या कंफर्म होगा वो आपको तभी पता चलेगा जब हम नेक्स्ट टर्म पे चेक करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट टर्म में जब हम चेक करें तो देखिए 26 है, 26 की मल्टीप्लाई जाहिर सी बात है हमें करके देखनी पड़ेगी, पर अगर इसे हम 25 अज्यूम कर लें अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन के लिए कि सिर्फ ऑब्जर्व करना है हमें कि कितना मल्टीपल चल रहा है, तो अगर मैं 25 लेती हूँ, 25 की 4 से कराते हैं मल्टीप्लाई, तो जाहिर सी बात है 100 आता है, यहाँ पर 130 के अप्रॉक्स वैल्यू है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है यानी 4 मल्टीपल तो है ही नहीं, कितना मल्टीपल चल रहा है, 5, ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में ये भी डाउट होगा, मैम अगर ये 4 के अकॉर्डिंग ले लेते हैं तो ये हम 5 के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं और नेक्स्ट 6 के अकॉर्डिंग भी होगा, तो वो चीजें हमें नेक्स्ट टर्म पर लॉजिक अप्लाई करते ही क्लियर हो जाती है। ये तो क्लियर हो गया ना यहाँ पर, अभी ये डाउट हमारे पास जो है कि यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई वाला इंप्लीमेंट होगा या 5 से, सेकंड के बिहाफ में भी हमें डाउट होगा, रीजन क्या है, ठीक है मैम यहाँ पर जो मल्टीप्लीकेशन चल रहा है वो इंक्रीमेंट ऑर्डर में हो, पहले 4 से मल्टीप्लाई हो रही है, देन 5 से होगी और उसके बाद नेक्स्ट किससे होगी, 6 से, तो वो हमारी नेक्स्ट में ही क्लियर हो जाएगी। अब अगर हम बात करें 26 से 134 कैसे जनरेट हो सकता है, तो 26 से 134 एक ही सिंगल चांसेस है जो क्लियर हम बात करें वो क्या है, हम 5 से मल्टीप्लाई कराते हैं, 26 की 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी, 130, और इससे मल्टीप्लाई करने का बेस्ट ऑप्शन क्या है, 25 की 5 से कराएंगे तो 125, हमने 1 रिमेनिंग छोड़ा था ना, 25 की 26 की जगह कितना लिया था, 25, तो उसकी 5 से करा देते हैं, 1 की 5 से कराएंगे तो यानी 5 एक्स्ट्रा आएगा, यानी 130, 26 की 5 से मल्टीप्लाई कराई 130 आया, पर यहाँ 134 है, तो यानी यहाँ क्या लॉजिक अप्लाई हो रहा है, 5 से मल्टीप्लाई प्लस 4 एडिशन। अब यही वैल्यू हम नेक्स्ट में क्रॉस चेक कर लेते हैं कि कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन हमारा यहाँ पर इंप्लीमेंट हो रहा है, यानी किस वैल्यू से कैलकुलेशन हो रही है। अब अगर हम इसे एज्यूम करते हैं 134 तो हम कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे, पर अगर हम इसे 13 एज्यूम कर लेते हैं और 13 एज्यूम करते हैं, 13 की अगर मैं 5 से कराती हूँ तो 65 आता है, और ये 65 के अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, तो जाहिर सी बात है ये भी क्लियर हो गया हमारे को कि यहाँ पर क्या हो रहा है, 5 से मल्टीप्लाई हो रही है, ये बात तो क्लियर है। अब 134 की आपको 5 से मल्टीप्लाई, तो वो ब्रेक करके हमने किए 5 से 130 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 65 आता है, तो 650। अब यहाँ पे 134 था, यानी हम 4 की रिमेनिंग जो है वैल्यू, 4 की हमने 5 से मल्टीप्लाई नहीं कराई है, तो 4 की 5 से कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 20। तो यानी आपके पास 134 की अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल वैल्यू कितनी आती है, 670। 5 से मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू आती है 670, पर नेक्स्ट टर्म क्या है, 666, कितनी कम है, 4 कम है, तो जाहिर सी बात है यहाँ क्या लॉजिक होगा, 5 से मल्टीप्लाई और माइनस 4। अब हमारा लॉजिक क्लियर हो गया कि ये लॉजिक हम इस सिक्वेंशियल ऑर्डर के अकॉर्डिंग ले ही नहीं सकते कि पहले में 4 से फिर 5 से फिर अगेन 5 से, तो ये चीज हमारी बिल्कुल क्लियर हो गई कि यहाँ पे कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन इंप्लीमेंट हो रहा होगा, 5 से मल्टीप्लाई वाला, ठीक है। तो यानी फर्स्ट टर्म में भी अगर हम देखें तो 5 से मल्टीप्लाई माइनस 4 था, अब हमें एक सिक्वेंशियल ऑर्डर में लॉजिक मिल गया है, फर्स्ट टर्म में क्या हुआ है, 5 से मल्टीप्लाई माइनस 4, सेकेंड टर्म में 5 से मल्टीप्लाई प्लस 4, नेक्स्ट टर्म में 5 से मल्टीप्लाई माइनस 4, तो अब नेक्स्ट टर्म जाहिर सी बात आएगी तो क्या होगा, मल्टीप्लाई बाय 5 तो हो गई। अब 666 की हमें 5 से मल्टीप्लाई करनी है, तो इसे भी देखिए बिना लिखे हम कर सकते हैं, पहले हम इसे 600 लें, 600 की 5 से करेंगे तो कितना आएगा, 3000, फिर हम 60 लें, 60 की 5 से कराएंगे तो कितना आएगा, 300, फिर 60 करें तो वो भी कितना आ जाएगा, 30, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 3030 तो आ जाएगा, ठीक है। ये ब्रेक करके करेंगे तो उतना हमारे लिए कैलकुलेशन क्या होगी, इजी। अब अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए पहले में माइनस 4 था, फिर प्लस 4, फिर माइनस 4, तो अब क्या होगा, प्लस 4, तो हमारे पास नेक्स्ट टर्म कितनी आ जाएगी, 3334 आ जाएगी, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम देखें हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स बहुत कम दी है लॉजिक को पहचानने के लिए, ठीक है। फर्स्ट टर्म हमारे पास 3 है और लास्ट टर्म कितनी है, 101 है, और नंबर ऑफ टर्म्स ओनली 3 ही है। अब हमें यहाँ लॉजिक क्लियर करना है, तो सबसे पहले देखिए 3 से ये तो क्लियर है हमें
फर्स्ट और लास्ट टर्म में अगर डिफरेंस देखें, नंबर ऑफ टर्म्स कम है, बहुत हाई है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे तो हमें ये बात क्लियर है कि यहाँ क्या अप्लाई हो रहा होगा, मैथमेटिकल ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन। अब ये मल्टीप्लीकेशन हमें देखना है कि किससे हो रही होगी। अगर 3 से 10 की पॉसिबिलिटी की बात करें तो 3 से 3 की मल्टीप्लाई प्लस 1 पहली पॉसिबिलिटी, सेकेंड पॉसिबिलिटी 4 से मल्टीप्लाई माइनस 2, वो नेक्स्ट में आपको क्लियर हो जाएगी कि कौन सा लॉजिक इंप्लीमेंट हो रहा है। अब अगर हम 10 से 101 की बात करें तो यहाँ पर क्या पॉसिबिलिटी है, 10 से मल्टीप्लाई प्लस 1। अब हमें जो सिमिलैरिटी दोनों लॉजिक में लग रही है वो प्लस 1 की लग रही है, इसके अलावा तो लॉजिक अभी कुछ क्लियर ही नहीं हो रहा क्योंकि पहले में 3 से और फिर सीधा 10 से, ठीक है, तो कोई लॉजिकल फॉर्म तो यहाँ पर विजिबल है ही नहीं। पर अगर हम बात करें जो हमें सिमिलैरिटी लग रही है वो क्या है, वो ये है सिर्फ कि प्लस 1 का एडिशन हो रहा है, तो जाहिर सी बात है हमारा जो सेकंड ऑप्शन था लॉजिक का हम उसे क्रॉस कर देंगे और उसी के रिस्पेक्ट में ऑप्शन देखेंगे। अब अगर हम बात करें फर्स्ट में 3 से मल्टीप्लाई प्लस 1 किया, सेकंड में 10 से मल्टीप्लाई प्लस 1 किया, इसमें अगर हम लॉजिक देखें तो जो मल्टीप्लाई जिस नंबर से हो रही है कोई लॉजिकल फॉर्म में नहीं है, पर अगर हम इसमें देखें जो हमारे पास टर्म्स में वैल्यू है उसी से मल्टीप्लाई हो रही है और प्लस 1 हो रहा है, और उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है उसके लिए भी वही उसी टर्म से मल्टीप्लाई हो रही है जो हमारे पास क्या है, वैल्यू है। अब अगर हम बात करें हमें नेक्स्ट टर्म बतानी है तो ये चीज हमें क्लियर होगी कि नेक्स्ट टर्म के लिए क्या होगा, जाहिर सी बात है हमें किस से मल्टीप्लाई करानी होगी, 101 से मल्टीप्लाई करानी होगी और प्लस 1 कराना होगा। अब अगर हम बात करें तो यहाँ पर 101 का हमें क्या फाइंड करना है, एक तरीके से परफेक्ट स्क्वायर फाइंड करना है, ठीक है, तो इसके लिए भी हमारे पास मेथड होता है या फिर हम डायरेक्ट कैलकुलेशन के रेस्पेक्ट में भी कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें हमारे पास यहाँ वैल्यू के रेस्पेक्ट में बात करें, 100 से 101 कितना अबव है, तो प्लस 1 है, प्लस 1 एक एक्स्ट्रा है, तो उसके लिए अगर हम बात करें 100 से कितना ज्यादा है तो 1 ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है उसके लिए हमारे पास 2 प्लेस होते हैं तो 0 1, 100 से 101 कितना एक्स्ट्रा है, 1, तो इसमें 1 ही ऐड कर देते हैं तो कितना आ गया 102, तो इसके लिए हमारा परफेक्ट स्क्वायर कितना आ गया 102 n 01। अब हम इसमें क्या ऐड करेंगे, प्लस 1 ऐड करेंगे तो आपके पास नेक्स्ट टर्म आ जाएगी 102 02। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें, अभी हमने एक लॉजिक डिस्कस किया था, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि हमारे फर्स्ट और लास्ट टर्म में अगर हम डिफरेंस देखें, नंबर ऑफ टर्म्स हमारी कितनी है 5, और अगर फर्स्ट और लास्ट टर्म में डिफरेंस देखें तो ना बहुत ज्यादा है और ना ही बहुत कम है, क्योंकि 2 से अगर हम देखते हैं ना, कंपेयर करते हैं तो 2 से मल्टीप्लाई होने पर डिफरेंस देखें तो बहुत ज्यादा नहीं है, पर अगर हम डिफरेंस करके इसको सीरीज को सॉल्व करते हैं तो हमें कुछ चीजें देखते ही क्लियर हो जाएगी, वो क्या है। देखिए सबसे पहले हम यही ऑब्जर्व करते हैं कि हमारी सीरीज किस ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में, तो हम फर्स्ट और लास्ट टर्म का कंपेयर करते हैं कि डिफरेंस कैसा है, डिफरेंस बहुत हाई नहीं है, हाई नहीं है तो हम क्या अप्लाई करेंगे, डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो डिफरेंस करते हैं तो +3 +4 +10, ठीक है, और +18। अगर हम डिफरेंस की बात करें, 3 का डिफरेंस 4 का, अगेन डिफरेंस भी करें तो कोई लॉजिकल फॉर्म विजिबल नहीं हो रही है, 1 फिर 6 फिर 8, ऐसा कोई लॉजिकल फॉर्म विजिबल नहीं हो रही है। पर अगर हम बात करें जब हमारा कोई लॉजिक अप्लाई हम करते हैं और वो इंप्लीमेंट नहीं होता, तो जाहिर सी बात है हम उसमें क्या करते हैं, दूसरा कोई लॉजिक इंप्लीमेंट करके देखते हैं। अब अगर हम देखें इस क्वेश्चन में डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है, हमने इस पे एडिशन अप्लाई किया, पर हमारी सीरीज जब असेंडिंग ऑर्डर में होती है तो दूसरा मैथमेटिकल ऑपरेशन हमारे पास क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन कहीं कहीं पर इससे प्रीवियस अभी हमने डिस्कस किया था कि कुछ सीरीज आपको ऐसी मिलेगी जिसमें डिफरेंस बहुत हाई नहीं होगा पर फिर भी इंप्लीमेंट हो रहा होगा आपका कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन, मल्टीप्लीकेशन, और कुछ सीरीज में ऐसा होगा कि डिफरेंस बहुत हाई है फिर भी वहां पर मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या इंप्लीमेंट हो रहा है, एडिशन। वही सेम चीज देखिए, पर इसमें हमें एक हिंट मिलती है, वो क्या है, जिससे हमें ये क्लियर हो कि डिफरेंस हाई नहीं है उसके बाद भी यहाँ पर क्या अप्लाई हो रहा है, मैथमेटिकल ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन, वो क्या, जब हम इसके टर्म्स देखते हैं, इसकी अगर हम टर्म्स की बात करें तो 2 थी और फिर 5 थी, 2 से अगर हम 5 का रेशियो देखें तो डबल का है, 5 से 9 अगर हम कहें तो डबल से 1 ही तो कम है, 9 से 19 का है वो भी डबल है और 19 से 37 का है वो भी डबल, तो आपके पास जो टर्म सेकंड नेक्स्ट टर्म होनी चाहिए वो अप्रोक्सीमेट डबल के आसपास की वैल्यू होनी चाहिए, चाहे परफेक्ट ना हो पर अप्रोक्सीमेट जरूर होनी चाहिए, तभी हम उसमें मैथमेटिकल ऑपरेशन उसके बाद मल्टीप्लीकेशन अप्लाई करके देखते हैं। अब अगर हम देखें 2 से 5 की पॉसिबिलिटी कैसे मल्टीप्लाई में होगी, तो मल्टीप्लाई बाय 2
एन प्लस वन, तो क्या मिल गया आपको 5, 5 से 9 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 1, तो क्या मिल गया 9। अगेन अगर हम देखें मल्टीप्लाई बाय 2, 9 की 2 से 18, 18 प्लस 1 19। अगेन अगर हम देखें 19 की 2 से मल्टीप्लाई तो 38, 38 माइनस 1 तो आपके पास कितना आ गया 37। नेक्स्ट हमें बतानी है मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है 37 की मल्टीप्लाई 2 से कराएंगे, ठीक है तो उसे ब्रेक करके भी कर सकते हैं, 35 की 2 से कराई तो कितना आया 70, हमने कितना रिमेनिंग छोड़ा था 2, 2 की 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे कितना आएगा 4, तो हम ब्रेक करके क्या आ गया नेक्स्ट 74, 74। अब हम क्या करेंगे प्लस 1, सिक्वेंशियल ऑर्डर क्या चल रहा है प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1, तो अब क्या ऐड होगा प्लस 1, 74 प्लस 1 तो हमारी नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगी 75। अब अगर यही चीज हमें डिस्कस करनी थी कि बहुत सारी सीरीज आपको ऐसी भी होगी जहां पर हमें मैथमेटिकल ऑपरेशन एडिशन विजिबल होगा पर वहां पर अप्लाई क्या हो रहा होगा मल्टीप्लिकेशन, और कहीं पर मल्टीप्लिकेशन विजिबल होगा पर अप्लाई क्या हो रहा होगा एडिशन, ठीक है तो वहां पर हमें ये हिंट भी जरूर मिलती है कि क्या ये मल्टीप्लिकेशन अप्लाई होने की पॉसिबिलिटी भी है, और वो पॉसिबिलिटी मैंने आपको क्लियर की है कैसे कि डबल होने पर। चलिए नेक्स्ट को डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट देखें हमारे पास सीरीज की फर्स्ट टर्म अगर हम देखें और लास्ट टर्म देखें, ये अगर हम बात करते हैं हमारी टर्म्स क्या है नंबर ऑफ टर्म्स क्या है 4 ही है, पर अगर हम फर्स्ट और लास्ट टर्म में कंपेयर करें तो बहुत ज्यादा डिफरेंस भी नहीं है और बहुत है भी, 4000 से 7000 डिफरेंस क्या है 3000, आप तो ऐसे ही ऑब्जर्व करेंगे पर अगर हम देखें तो हमारी जो फर्स्ट टर्म है ना वो भी बहुत ज्यादा है 4000 की टर्म्स में दी है, तो डिफरेंस जाहिर सी बात है डिफरेंस भी फिर क्या लाई कर सकता है 500 1000 के बीच में कर सकता है, तो यही चीज हमें ऑब्जर्व करनी है। ऐसा नहीं है कि हमने कोई पर्टिकुलर रूल दे दिया कि डिफरेंस बहुत हाई हो तो मैथमेटिकल ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन ही अप्लाई होगा, हमें कुछ नंबर्स को देख के कुछ वैल्यूज को देख के भी टर्म्स को देख के भी देखना है कि हमारा कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन इंप्लीमेंट हो सकता है। अब अगर मैं बात करूं इसी क्वेश्चन में अगर हम डिस्कस करें तो हमारे पास फर्स्ट टर्म 4000 के अप्रॉक्स है और लास्ट टर्म 7000 और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है सिर्फ 4, 4 में कितने का डिफरेंस है 3000 का, तो डिफरेंस 3000 नंबर ऑफ टर्म्स 4 तो बहुत हाई है, पर अगर हम फर्स्ट टर्म को देखें ना तो हमारी फर्स्ट टर्म 4000 है तो जाहिर सी बात है डिफरेंस भी होगा तो 500 और 1000 के अप्रॉक्स होगा, तो इसमें हम ये जरूर देख सकते हैं कि डिफरेंस की पॉसिबिलिटी है या नहीं। रीजन कैसे समझ आएगा, देखिए हमारे पास डिफरेंस तो हमने देखा कि जैसे ही हम सीरीज को देखते हैं असेंडिंग ऑर्डर में है, फिर हम सेकंड चेक करते हैं कि डिफरेंस कितना, डिफरेंस हाई लगा, पर हम सीरीज की टर्म्स को भी अगर देखें साथ साथ तो हमें ये क्लियर हो रहा है पहले 4000 था फिर 5 फिर 6 फिर 7, तो यहाँ मैथमेटिकल ऑपरेशन कभी भी मल्टीप्लीकेशन अप्लाई ही नहीं हो सकता। उसका रीजन समझना, रीजन क्या है 4000 में अगर आप 1.5 से भी मल्टीप्लाई कराओगे तो अप्रोक्सीमेट 6000 आएगा, 5 नहीं आएगा, ठीक है 1 से तो देखो मल्टीप्लाई करके कोई नेक्स्ट वैल्यू लिखेगा ही नहीं, जाहिर सी बात है फिर तो वो डिफरेंस हो गया, ठीक है 1.5 मिनिमम होगा मल्टीप्लीकेशन के लिए, अगर उससे भी कराता है तो 6000 आएगा, और मिनिमम मल्टीप्लाई वैसे 2 से ही होती है, और 2 से करें तो नेक्स्ट टर्म हमारी 8000 आनी चाहिए और वो तो हमारी लास्ट टर्म भी नहीं है, तो हमें यहाँ पे क्लियर विजिबल होता है अगर हम टर्म्स को देखें एटलीस्ट 2 से मल्टीप्लाई तो होगी ना, और 2 से मल्टीप्लाई होने पे क्या हो जाती है वैल्यू डबल हो जाती है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि हम मैथमेटिकल ऑपरेशन मल्टीपल चल रहा, ठीक है उसका रीजन है कि फर्स्ट टर्म 4000 से स्टार्ट है, तो ये चीजें हमें देखते ही विजिबल होगी जब हम प्रैक्टिस करेंगे कि कहां पर मैथमेटिकल ऑपरेशन कैसा इंप्लीमेंट होगा, ठीक है जरूरी नहीं है कि डिफरेंस बहुत हाई लगा और हमने सीधा क्या अप्लाई कर दिया एडिशन या मल्टीप्लीकेशन, हमारे पास डिफरेंस हाई है तो मल्टीप्लीकेशन जरूरी नहीं है हर क्वेश्चन में अप्लाई हो, यहां पर इस वैल्यू में हमें हर टर्म्स में 1000 का डिफरेंस है तो जाहिर सी बात है डिफरेंस बेसी सीरीज है, जब हम फर्स्ट और सेकेंड टर्म का डिफरेंस करेंगे तो डिफरेंस कितना आएगा 1021, फिर अगेन डिफरेंस करेंगे तो 1021, फिर अगेन डिफरेंस करेंगे 1021। अब हमें नेक्स्ट टर्म बतानी है तो हम इसमें क्या ऐड करेंगे 1021 ऐड करेंगे, ये बात क्लियर है 1021 ऐड करेंगे तो जाहिर सी बात है हमारे पास वैल्यू आ जाएगी जब हम इसमें ऐड करेंगे। एक चीज और बता देती हूँ, बहुत से स्टूडेंट इसे डिजिट के बिहाफ पे भी देख लेते हैं, डिजिट के बिहाफ पे कैसे ये 41, 51, 61, 71, तो अब क्या आएगा 81,
ये पहले क्लियर बताती हूँ, इस सीरीज में बहुत स्टूडेंट आंसर में मिस्टेक करते हैं और वो ऑप्शन में हमेशा होता है, ठीक है। फिर 17 है, फिर 38। अगर हम यहाँ पर बात करें, ये 1 से क्या हो रहा है 3, 3 से क्या हो रहा है 5, तो 5 से जाहिर सी बात है क्या होगा, 5 के बाद 8 दिया है, तो जाहिर सी बात है यहाँ डिफरेंस चेंज हो रहा है, आपको इन चीजों को समझना है, ठीक है। फिर अगर हम बात करें यहाँ पर स्टूडेंट देख लेते हैं 7, 8, 9 और 9 के बाद 10 का 0 लिखा हुआ, ठीक है। तो हमें उस चीजों को समझना है, जरूरी नहीं अगर मैं इसे इस डिजिट के बिहाफ पे देखती हूँ 61, 71 तो जाहिर सी बात है 81 आना चाहिए, पर यहाँ 81 नहीं आएगा। जब हम देखिए 7180 में ऐड करेंगे 1021, ठीक है, ये 2180 में जैसे ही ऐड करेंगे तो ये 72 में चला जाएगा या नहीं चला जाएगा, ठीक है। और 1000 ऐड करें तो ये हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 8202, 8221, ठीक है। इसे ऐड करेंगे तो ये 8201, जब हम इसे ऐड करेंगे तो आपके पास ये 1 की 1 वैल्यू, ठीक है। 8 और 2 आपके पास कितना हो गया 10, 10 का आपके पास 1 कैरी चली गई, ठीक है, 1 था तो ये कितना आ गया 2, ठीक है। और 7 और 1 को ऐड करेंगे तो आपके पास कितना आ गया 8, 82, 101 आ जाएगा। तो हमारी नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगी, 8201। मिस्टेक जो करते हैं वो क्या करते हैं स्टूडेंट, सबसे पहली डिजिट्स को देखते हैं 41, 51, 61, 71, तो अब 81 आएगा और 81 का ऑप्शन आपके पास जरूर आपको ऑप्शन में मिलता है। तो थोड़ा सा हम ध्यान रखेंगे कि हम डिफरेंस करके देखेंगे, डिजिट्स के बिहाफ पे ना देखें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम देखें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म में अगर हम डिफरेंस देखें तो बहुत हाई नहीं है, तो जाहिर सी बात है हमारी सीरीज में क्या अप्लाई हो रहा होगा, मैथमेटिकल ऑपरेशन कौन सा इंप्लीमेंट हो रहा होगा, एडिशन। अब हम डिफरेंस ही करके देखेंगे 160 से 204, ठीक है, तो कितना ऐड हो रहा है प्लस 44। अगेन अगर हम देखें तो क्या ऐड हो रहा है, डिफरेंस करें तो प्लस 55। अगेन चेक करें तो क्या ऐड हो रहा है प्लस 66। अब जाहिर सी बात है हमें एक लॉजिकल फॉर्म मिल गई है, हमारी जो वैल्यू है जो ऐड हो रही है वो कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, एडिशन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर है। पहले में 44 फर्स्ट टर्म में, फिर 55, फिर 66, अब क्या ऐड होगा 77 ऐड होगा, और जब हम 325 में 77 ऐड करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 402, ठीक है। इसे भी ब्रेक करके ऐड किया है, जैसे मैंने 325 है, 325 में 77 करना है, मैंने पहले 75 कर दिया, 75 करते कितना हो गया 400, ठीक है, 2 रिमेनिंग था तो कितना आ गया 402 आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो हमारे फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म में डिफरेंस देखें अगर हमारी सीरीज का, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो हम क्या मैथमेटिकल ऑपरेशन इंप्लीमेंट करेंगे, जाहिर सी बात है एडिशन चेक करेंगे, ठीक है। अगर हम नंबर ऑफ टर्म्स कहें 5 है, 152 से 191 हो रहा है, सीरीज क्या है असेंडिंग ऑर्डर में, तो कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन होगा, जाहिर सी बात है एडिशन होगा, एडिशन चेक कर लेते हैं। हमने डिफरेंस किया तो कितना आया डिफरेंस 8, अगेन डिफरेंस किया तो कितना आया 7, अगेन डिफरेंस किया तो कितना आया 14, अगेन डिफरेंस किया तो कितना आया डिफरेंस 10। अब अगर हम डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस में कोई भी लॉजिकल फॉर्म विजिबल नहीं हो रही है, पहले में 8, फिर 7, फिर 14 और फिर 10, ठीक है। पर अगर हम इसमें ये लॉजिक देखें कि डिफरेंस तो है, उसके अलावा कोई मल्टीप्लाई अप्लाई नहीं हो रहा है, कुछ भी लॉजिक नहीं अप्लाई हो रहा है, सिर्फ डिफरेंस के बिहाफ पे ही हमें कुछ चेक करना है, तो हम इस डिफरेंस में ही देखते हैं कि और कैसे इसमें डिफरेंस में क्या लॉजिक इंप्लीमेंट हो सकता है। इसमें 8 ही क्यों ऐड हुआ, यहाँ पर 7 ही ऐड क्यों हुआ, जब ऐसे आपके पास कभी कभी लॉजिकल फॉर्म मिलती है। इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो एडिशन के अलावा अगर हम मल्टीप्लिकेशन की पॉसिबिलिटी देखें तो कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है, और जब कोई और लॉजिक विजिबल ही नहीं हो रहा होगा तो जाहिर सी बात है फिर हम क्या चेक करते हैं कि इसमें डिफरेंस ही है, पर डिफरेंस में ही कोई ना कोई लॉजिक जरूर छुपा है, हमें वो चेक करना होता है। तो ये देखिए वो क्या है, यहाँ पर 8 ऐड हुआ है, तो पर्टिकुलर 8 ही क्यों है, यहाँ पर 7 है और लॉजिकल फॉर्म में एडिशन नहीं हो रहा है, यहाँ पर 8 इसलिए ऐड हुआ है, उससे प्रीवियस टर्म में देखें जो डिजिट्स है उनका सम करते हैं 152, ठीक है, तो कितना है 8, इसलिए 8 ऐड हुआ है। नेक्स्ट में अगर हम बात करें 160 में 7 ही ऐड क्यों आए, 160 तीनों डिजिट का सम करें तो इस 7, तो 7। नेक्स्ट में अगर हम बात करें 167 तो डिफरेंस सम कितना है 14, तो 14 ऐड हुआ। नेक्स्ट में अगर हम बात करें 181 तो डिफरेंस अगर सम कितना है आपके पास, सॉरी 10, तो 10 ऐड हुआ। अब अगर हमें नेक्स्ट सम चाहिए तो इसमें क्या ऐड करेंगे, इन डिजिट्स का सम 191, तो कितना आ जाएगा सम 11, 11 ऐड करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी
टू जीरो टू, तो हमारी नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगी, टू जीरो टू आ जाएगी। चलिए, थैंक यू सो मच।